तो भाई आप लोगों का स्वागत है कॉमिकास्ट 360 में, जहां मैं रेगुलरली कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड मेजर अपडेट्स को कवर करूंगा। अब भाई आज के पहले एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में जोनाथन मेजर्स की फायरिंग के बाद एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और करेंटली रनिंग मल्टीवर्सल सागा में विलेंस के रिगार्डिंग रूमर्स, फैंटास्टिक फोर की मूवी की फिल्मिंग के रिगार्डिंग लीक्स, सीक्रेट वॉर्स पे इंडस्ट्री इनसाइडर्स की रिपोर्ट, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिगार्डिंग मेजर प्लॉट डिटेल्स और एमसीयू में आयरन फिस्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 1। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई जब से लास्ट वीक ये न्यूज आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने जोनाथन मेजर्स को फायर कर दिया है, तब से मार्वल के फ्यूचर के बारे में कई सारी अपडेट सरफेस कर रही हैं। जिनमें से सबसे पहली अपडेट की बात करें तो मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को वापस से रीनेम करके एवेंजर्स 5 कर दिया गया है और एट प्रेजेंट मार्वल स्टूडियोज इस मूवी के लिए डायरेक्टर खोज रहा है। साथ ही मीडिया सोर्सेज की माने तो मार्वल स्टूडियोज माइकल वाल्ड्रॉन की स्क्रिप्टिंग का भी इंतजार कर रहा है, जिसके बाद हमें एवेंजर्स 5 का नया नाम जानने को मिलेगा, जिसे मार्वल स्टूडियोज मोस्ट प्रोबेबली इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन या फिर D23 में डिस्क्लोज करेगा। अब भाई जोनाथन मेजर्स को कैंग के रोल से ड्रॉप किए जाने के बाद कई सारे लोगों का मानना ये है कि मार्वल स्टूडियोज कैंग के कैरेक्टर को रिकास्ट करेगा, तो वहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि मार्वल स्टूडियोज ऑल टुगेदर कैंग को ही रिप्लेस कर देगा। अब भाई इन्हीं सारी स्पेकुलेशंस के बीच रिसेंटली कई सारे मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट किया कि मैड्स मिकलसन, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में काइसिलियस का रोल प्ले किया था, वो एक नए रोल में एमसीयू में रिटर्न करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी न्यूज आई कि रियान गॉसलिंग भी एमसीयू में एक कैरेक्टर के रोल को प्ले करने के लिए केविन फाइगी से टच में है। अब हालांकि इन दोनों रोल्स की कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, पर कई सारे लीक्स्टर्स के अकॉर्डिंग मैड्स मिकलसन फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम के रोल के लिए रेस में सबसे आगे हैं। अब भाई फैंटास्टिक फोर मूवी की बात करें तो कई सारे मीडिया पोर्टल्स के अकॉर्डिंग इसकी फिल्मिंग का काम इस साल 2 मई से शुरू होने वाला है। साथ ही कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज अब किसी भी दिन फैंटास्टिक फोर की कास्ट को अनाउंस कर सकता है, पर स्टिल हमें डॉक्टर डूम और कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स की डिटेल के लिए फिल्मिंग स्टार्ट होने का वेट करना पड़ेगा। हालांकि कई सारे लीक्स्टर्स के अकॉर्डिंग पेड्रो पास्कल और वेनेसा कर्बी रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म के रोल के लिए ऑलमोस्ट फाइनल हैं, पर आई थिंक वी शुड टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और हमें मार्वल स्टूडियोज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही वेट करना चाहिए। तो भाई इस वीक कुछ लीक्स्टर्स ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रिगार्डिंग कुछ मेजर अपडेट्स शेयर की, जिनके अकॉर्डिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 5 घंटे से भी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जोनाथन मेजर्स की फायरिंग के बाद भी मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स के मेन विलन के रूप में बियॉन्डर कैंग पे ही फोकस करेगा, जिसका इंट्रोडक्शन हमें इनकर्जन के बाद एमसीयू के मेन यूनिवर्स यानी कि 616 के डिस्ट्रक्शन के बाद कराया जाएगा। साथ ही काफी हाई चांसेस हैं कि सीक्रेट वॉर्स के दोनों पार्ट्स का नाम मार्वल स्टूडियोज अलग अलग रखेगा, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम के साथ हुआ था। अब भाई अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस वीक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की प्लॉट लाइन से रिलेटेड एक मेजर लीक बाहर आई, जिसके अकॉर्डिंग कुछ मीडिया सोर्सेज ने ये बताया कि फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें कैप्टन अमेरिका एके सैम विल्सन और रेड हल्क एके थंडरबोल्ट रॉस के बीच एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंगली ये फाइट सीक्वेंस व्हाइट हाउस में टेक प्लेस करेगा। हालांकि इस रिपोर्ट के साथ ही कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये भी कंफर्म किया कि रेड हल्क और सैम विल्सन दोनों ही इस फाइट को सरवाइव करेंगे और रेड हल्क की स्टोरी हमें आगे चलकर हल्क की सोलो मूवी में कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अब भाई रिसेंटली ही मार्वल स्टूडियोज ने ये अनाउंस किया था कि 2024 में हमें ब्लैक पैंथर आइज ऑफ वकांडा नाम से डिज्नी प्लस पे एक एनिमेटेड शो देखने को मिलेगा, जो कि हमें वकांडन हिस्ट्री और उसमें अपियर होने वाले ब्लैक पैंथर्स और उनके एडवेंचर्स के बारे में बताएगा। तो इसी रिगार्डिंग इस वीक कुछ ऐसी उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि इस सीरीज में हमें आयरन फिस्ट का भी अपीयरेंस होता हुआ दिखेगा। हालांकि इसमें आयरन फिस्ट का कौन सा वर्जन हमें देखने को मिलेगा या फिर आयरन फिस्ट हमें कितने एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, इस बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवी से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।